हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे क्या है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले मैं देखिए पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद क्या करूंगा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ईथर आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए, जो ईथर होता है ये फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। आगे क्या कह रहा है, द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जो क्लीवेज होता है ये बॉन्ड का टूटना होता है CO बॉन्ड का, ये कंडीशन दिया गया है क्या होना चाहिए, विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होनी चाहिए, एक्सेस हाइड्रोजन हैलाइड होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ डाई एल्किल ईथर गिव्स टू एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल। जो कह रहा है कि जो रिएक्शन होता है डाई एल्किल ईथर का, यह है दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल देते हैं, तो पहला ये और दूसरे, अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड बुक पे। आगे देखिए क्या है, एल्किल एरिल ईथर आर क्लीव्ड एट द एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल एरिल ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एल्किल एरिल ईथर होते हैं, इनमें जो एरिल ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है ये एल्किल ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, द रिएक्शन यील्ड फिनॉल एंड एल्किल हैलाइड। और क्या देगा ये रिएक्शन, देगा फिनॉल देगा और एल्किल हैलाइड देगा। तो सिंपली देखिए यहाँ पे, पहले देखिए सिंपली कह रहा है कि जो ईथर होते हैं ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप में बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर रिएक्शन ऑफ डाई एल्किल ईथर, अगर हम डाई एल्किल ईथर का रिएक्शन कराते हैं आर ओ आर, ये क्या है डाई एल्किल ईथर है, रिएक्शन कराएंगे HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो हमको दो प्रोडक्ट, दो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्सेस लेंगे, तो दो एल्किल हैलाइड का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले में देखिए क्या बन जाएगा, ये RX बन जाएगा, दूसरे में यहाँ सपोज करिए बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, यहाँ से हुआ बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो ये OR बचा और ये जो H है इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा ये ROH बन जाएगा। ठीक है, फिर ये जो आपका अल्कोहल है ROH है, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा HX के साथ, फिर से रिएक्शन करके ये XR के साथ जुड़ जाएगी और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये क्या बनाएगा RX बना लेगा प्लस H2O बना लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, मीन्स जो रिएक्शन होता है डाई एल्किल ईथर का किसके साथ, हाइड्रोजन एक्सेस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यह देता है 2 मोल्स एल्किल हैलाइड देता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या था, एल्किल एरिल ईथर, ये हमारा क्या हो गया एरिल ग्रुप हो गया और ये क्या हो गया एल्किल हो गया, ये एल्किल एरिल ईथर। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो ये ऑक्सीजन है इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या है मोर स्टेबल है, जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या है मोर स्टेबल है और ये क्या है लेस स्टेबल है, इसलिए बॉन्ड की ब्रेकिंग कहां से होगी यहां से होगी, प्लस किसके साथ इसमें कराएंगे HX के साथ कराएंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो X है ये इसके साथ जुड़ जाएगी और H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा OH बन जाएगा प्लस ये क्या बन जाएगा RX ये बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, क्यों यहाँ पे ये हो रहा बॉन्ड का ब्रेकिंग, यहाँ पे हो रहा यहाँ से नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ी है, तो इसलिए ये मोर स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, इतना देखिए समझ में आ गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ईथर विथ टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप आर आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर। अगर हम दो ग्रुप के ईथर ले रहे हैं, हमारा ये डाई एल्किल ईथर था तो यहाँ पे एल्किल ईथर ले रहे हैं, ये ROR- ले रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला यही कहा कि ROR- ले रहे हैं, जब हम HX के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला तो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा R है। ठीक है, यहाँ पे X जोड़ दे रहे हैं, ये क्या बन जाएगा RX बन जाएगा।
ठीक है, प्लस दूसरा क्या बन जाएगा, प्लस आर डैश ओ एच बन जाएगा, ये बनेगा। फिर जो हमारा आर डैश ओ एच है ये क्या है, एल्कोहल है, आर डैश ओ एच है प्लस एच एक्स हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, फिर से क्या बना लेगा आर डैश एक्स बना लेगा प्लस एच टू ओ का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यही देखिए नीचे दिया गया था, ठीक है। अभी देखिए इन सब की जब मैकेनिज्म बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या दिया गया है, देखिए यही हो गया। आगे क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलोज। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की सबसे ज्यादा क्या है, एच आई की, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल की है, ठीक है। द क्लीवेज ऑफ इथर टेक्स प्लेस विथ कंसनट्रेटेड एच आई आर एच बी आर एट हाई टेम्परेचर। देखिए जो क्लीवेज ऑफ इथर्स का टेक प्लेस करता है विथ कंसनट्रेटेड एसिड, अगर आप एच आई लेते या फिर एच बी आर लेते तो उसको लिए क्या देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो रिएक्टिविटी है, मीन्स क्या दिया गया है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का जो एच एक्स दिया गया है, इसकी रिएक्टिविटी देखिए सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, फिर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड की होगी। और एक चीज ध्यान में देना है कि जो एच आई और एच बी आर के साथ क्या होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। सपोज करिए जो ये क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड है, इसकी मैकेनिज्म पहले पढ़ते हैं फिर आगे ये देखिए ये पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। हम देखते हैं, देखिए दिया गया है, द रिएक्शन ऑफ एन ईथर विद कंसनट्रेटेड एच आई स्टार्ट विद प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल। पहला देखिए ये क्या था, हमारा ईथर है, एच आई के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया और ये जो आयोडाइड आयन ये निकल गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि आयोडाइड इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, जो आयोडाइड होती है गुड न्यूक्लियोफाइल होती है, इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द ऑक्सोनियम आयन फॉर्मड इन स्टेप वन। तो ये जो हमारा ऑक्सोनियम आयन ये फॉर्म हुआ है, तो ये जो आयोडाइड आयन है ये क्या कहाँ पे करेगी, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगी, ठीक है, एंड डिस्प्लेस एन एल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म, और क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी वाटर मॉलिक्यूल को बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। आगे देखिए, दस इन द क्लीवेज ऑफ मिक्सड ईथर विथ टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप द एल्कोहल एंड एल्किल आयोडाइड फॉर्म्ड, ठीक है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट इट इज लोअर एल्किल ग्रुप दैट फॉर्म्स एल्किल आयोडाइड। तो यहीं पे देखिए सिंपली कह दिया गया, इट इज द लोअर एल्किल ग्रुप दैट फॉर्म्स आयोडाइड, ठीक है, SN2 रिएक्शन होगा, फिर से यहाँ पे देखिए आयोडाइड ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक किया जिससे ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या हो गया, निकल गया, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी, ठीक है, तो हमारा ये एल्किल आयोडाइड ये बना। फिर आगे देखिए क्या हुआ, व्हेन एच आई इज इन एक्सेस एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे होगा, एथनॉल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एच आई एंड इज कन्वर्टेड टू एथिल आयोडाइड, ठीक है, फिर से एथनॉल क्या करेगा, एच आई के साथ करेगा, तो फिर से यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड का ये फॉर्मेशन करेगा। अब चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे अगर हम क्या लिए हैं, ईथर का मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, दोनों क्या है मतलब अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, स्टेप फर्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है, हमने क्या ले लिया है, सी एस थ्री ओ, ये क्या हो जाएगा, सी एस टू सी एस थ्री, ठीक है, एथिल मेथिल क्या है, ईथर ले लिया, जब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एच आई के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये किस पे, हाइड्रोजन के पास ये रिएक्शन करेगा, मतलब इससे जुड़ जाएगा, तो ये जो आयोडाइड है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और किस चीज का फॉर्म करेगा, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बनेगा, सी एस थ्री ये ओ है, ऊपर देखिए यह जुड़ जाएगा, दो लोन पेयर, इसके पास पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा,
फिर क्या होगा यहाँ पे सी एस टू, ये क्या हो जाएगा सी एस थ्री हो जाएगा, प्लस ये आई नेगेटिव ये निकल जाएगा। देखिए पहले स्टेप में यही हो रहा है, इसका देखिए नाम क्या है, ये ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए ये जो ऑक्सोनियम आयन है और ये हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये क्या करेगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, इधर से नहीं करेगा, यहाँ पे ज्यादा इधर देखिए कम कार्बन तो इधर से ही क्या करेगा वो रिएक्ट करेगा। तो ये हमारा क्या आयोडाइड आयन है, स्टेप टू में करेगा, स्टेप टू ऑक्सोनियम आयन क्या है, ये सी एस थ्री है, ये ओ है, ठीक है, इस साइड सी एस टू है, इस साइड यहाँ पे सी एस थ्री है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन लगा ये प्लस का, तो ये क्या करेगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ये अटैक करेगा, ठीक है, जिसे ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले एक और स्टेप में दिखा दिया गया है, मीन्स एस एन टू रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, एस एन टू रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे दिखाया गया है, मीन्स इसकी ट्रांजिशन स्टेट, जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा वैसे ये जो मॉलिक्यूल रहेगा ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इसकी बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट इस साइड देखिए क्या है, ये सी एस थ्री है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट ये ऑक्सीजन हो गया, इस साइड ये सी एस टू सी एच थ्री है, और यहाँ पे देखिए ये जो आयोडाइड आयन है ये इसके साथ जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या है ये हमारी हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है ये पॉजिटिव का चार्ज है, यही देखिए ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा ये इतना क्या हो जाएगा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अगले यहाँ पे स्टेप में हम दिखा जा सकते हैं ये क्या हो जाएगा सी एस थ्री आई हो जाएगा, ठीक है, मीन्स मेथिल आयोडाइड, और ये क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल निकल जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच, ये इतना देखिए क्या हो जाएगा ये निकल जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये जो मैकेनिज्म कौन सी हो रही है एस एन टू मैकेनिज्म हो रही है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अगर देखिए कह रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट। फिर अगर हम एक्सेस एच आई लिए हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस लिए तो ये फिर से क्या करेगा स्टेप थ्री में, स्टेप थर्ड में ये क्या करेगा, ये आपका क्या हो गया सी एस थ्री सी एस टू, ये ओ हो गया, ये एच हो गया, इसके पास क्या है दो लोन पेयर है, फिर ये क्या करेगा एच आई के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यही तो हुआ, देखिए यही तो हाई टेम्परेचर अगर एक्सेस लिए हैं तो ये फिर से इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर से क्या होगा ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, जिससे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा इस साइड ये सी एस थ्री सी एस टू, ये ओ हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इधर क्या है ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा, ये आई नेगेटिव ये बचेगा। फिर से देखिए जो अब आई नेगेटिव है, ठीक है, मीन्स आयोडाइड आयन है, उस ऑक्सोनियम आयन पे क्या करेगा ये रिएक्ट करेगी, आई नेगेटिव है, ठीक है, प्लस क्या है ये सी एस थ्री, इस साइड सी एस टू है, और यहाँ पे क्या है ओ है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एच है, इसके ऊपर देखिए क्या है ये पॉजिटिव का चार्ज है। अब देखिए क्या होगा ये जो ऑक्सोनियम आयन है, ये जो ऑक्सोनियम आयन है और ये क्या है आयोडाइड आयन है, ये क्या करेगी इस पे क्या करेगी अटैक करेगी, जैसे इस पे अटैक करेगी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ठीक है, और क्या यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये सी एस थ्री सी एस टू आई, ठीक है, मीन्स क्या बनाएगा एल्किल आयोडाइड प्लस क्या बना लेगा ये वाटर का मॉलिक्यूल ये बनाएगा, ठीक है, एल्किल आयोडाइड और वाटर का मॉलिक्यूल देखिए बना रहा है। तो यही था रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी थी, ठीक है, जब ऑक्सीजन से दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो मैकेनिज्म देखिए क्या हो रही है एस एन टू मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो कर रही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे, ये भी देखिए आगे ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो आगे बताने वाले हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ आगे देखिए, पहले ये क्या दिया गया है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि हाउएवर व्हेन वन ऑफ द एल्किल हैलाइड इज टर्शियरी ग्रुप, अगर देखिए एल्किल हैलाइड को अब क्या कह दिया गया यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप कह दिया गया,
द हैलाइड फॉर्म्ड इज टर्शियरी हैलाइड, और जो हैलाइड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, टर्शियरी हैलाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज बिकॉज इन स्टेप टू ऑफ द रिएक्शन, स्टेप टू ऑफ द रिएक्शन में द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये क्या है, मेथेनॉल क्रिएट्स ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ये क्या करेगा, क्रिएट ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, और रिएक्शन फॉलोज क्या कर जाएगा, SN1 मैकेनिज्म ये करेगा। देखिए ये दिया गया, अब इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है कि अगर कह रहा है कि जो एल्किल ग्रुप हमारा होता है, एक एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा, ये सपोज कर लीजिए इसको मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए, ये क्या हो जाए, ये 3 डिग्री मीन्स टर्शरी एल्किल ग्रुप है, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर देखिए टर्शरी यहाँ पे ये है हमारा टर्शरी ग्रुप है, तो क्या बनेगा हमारा, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये 3 डिग्री क्या हो जाएगी, एल्किल हैलाइड फॉर्म होगी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं रिएक्शन। पहले ये देखिए दिया गया है रिएक्शन, यही दे दिया गया है टर्शरी यहाँ पे ले लिए हैं CH3, एक ग्रुप हमारा ये टर्शरी हो गया CH3 और ये भी CH3, क्या हो गया ये टर्शरी एल्किल ग्रुप हो गया, ये O हो गया, इस साइड में CH3 ले लिया। अगर HI के साथ देखिए रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ये फॉर्म होगी। ठीक है, ये CH3 हो जाएगा, ये C है, ये CH3 हो जाएगा, इस साइड भी CH3, ये I हो जाएगा, प्लस ये CH3 OH मेथिल एल्कोहल फॉर्म होगा। अब चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये क्या है टर्शरी, पहले ये लेते हैं। ठीक है, CH3 ये C है, CH3 ये टर्शरी एल्किल ग्रुप हो गया, ये CH3 है। जब ये देखिए किसके साथ रिएक्शन करती है, जब ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करती है, तो ये देखिए ये HI के साथ रिएक्शन करती है, तो देखिए ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं, मैकेनिज्म ये हो जाएगा, इसका लोन पेयर जब H के पास ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, यस से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, ये रिवर्सिबल होगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाएगा CH3, ये C है, इस साइड भी CH3, यहाँ पे भी CH3 है, ये क्या है O है, H जुड़ जाएगा, दो लोन पेयर है, ये पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, प्लस ये I नेगेटिव ये निकल जाएगा, इतना होगा, इतना होगा। अब फिर ये देखते हैं, इसी को देखेंगे, पहले ये क्या, जब ये फॉर्म करेगा तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा ना, तो ये क्या कर लेगा, ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है ये मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये पहले ही बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा, इट इज बिकॉज इन स्टेप टू द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप क्रिएट्स ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मींस जो ये इतना निकलेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेगा। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो CH3 ये C है, इस साइड भी CH3, CH3 ये O है, इस साइड H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे दो लोन पेयर। अब देखिए जैसे ये इतना ये ग्रुप हमारा निकलेगा, ठीक है, तो ये हमारा 3 डिग्री मोर स्टेबल क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसीलिए ये स्टेप क्या हो जाएगी, स्लो होगी। ठीक है, क्या बनेगा, ये CH3 ये C है, CH3 इस साइड भी CH3, ये देखिए पॉजिटिव का चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, प्लस क्या बना लेगा, CH3OH मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारी आयोडीन है, ये जो आयोडाइड आयन है ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, इस यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, CH3 ये C है, इस साइड भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ये पॉजिटिव था, I नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये फास्ट हो जाएगी। ठीक है, CH3 ये C हुआ, इस साइड भी CH3, यहाँ पे भी CH3, मींस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे हो रही है। ठीक है, पहला स्टेप देखिए स्लो स्टेप है, दूसरा क्या हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है,
और यहाँ पे क्यों ये हुआ, क्योंकि ये जो मेथिल ये ग्रुप ये निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये बन रहा है, जो कि क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ एनी सोल, किस में देखेंगे, एनी सोल के केस में देखते हैं। देखिए दिया गया है इन केस ऑफ एनी सोल मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन, ये क्या है, मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन ओ सी एच थ्री इज वीकर देन बॉन्ड बिटवीन ओ सी सिक्स एच फाइव बिकॉज द कार्बन ऑफ फेनिल ग्रुप इज एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड एंड देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, देयर फोर द अटैक ऑफ आई माइनस आयन ब्रेक्स ओ सी एच थ्री बॉन्ड टू फॉर्म सी एच थ्री आई। ठीक है, मेथिल आयोडाइड फिनॉल्स डू नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव हैलाइड बिकॉज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नीडेड फॉर कन्वर्जन टू द हैलाइड। देखिए अगली केस किसके लिए कहा था, एनी सोल के लिए कहा था। ठीक है, एनी सोल देखिए क्या होता है, मेथिल फेनिल ईथर। एनी सोल का ये फॉर्मूला ये हो गया, स्ट्रक्चर ये बना दे रहे, ये ओ हो गया इस साइड सी एस थ्री, यही क्या है, एनी सोल है। अब इसका देखिए रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, एच आई के साथ करा रहे हैं। ठीक है, एच आई के साथ देखिए जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये जो है ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, मीन्स ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये ओ हो जाएगा इस साइड, ये सी एस थ्री हो जाएगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ गया और ये दो लोन पेयर हो गया, प्लस ये आई नेगेटिव क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब बताती है बॉन्ड ब्रेकिंग की कहां से होगा, यहां से होगा कि यहां से होगा। देखिए ये जो बॉन्ड होता है मीन्स जो ऑक्सीजन ये इससे जुड़ी होती है, बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है, इसमें देखिए क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसलिए ये जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और एरिल ग्रुप का, ठीक है, ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है इसके कंपेरिजन में। इसलिए बॉन्ड का ब्रेकिंग कहां से होगा, यहां से होगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में देखिए ये क्या बनाएगा, ये मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। किसका, मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन किया, फिर जो हमारा आयोडाइड आयन है ये कहां पे करेगा, अटैक लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। ठीक है, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होगा वहीं पे करेगा, ये सी एस थ्री है, ये आई नेगेटिव आयन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, जिससे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चलाएगा और फाइनली प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा हमारा, ये प्रोडक्ट यहाँ पे ओ एच बन जाएगा प्लस ये सी एस थ्री आई, मेथिल आयोडाइड का ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये देखिए समझ गए ये। चलिए ठीक है, अब देखिए ये दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 11.7 दिया गया है, इसमें देखिए सिंपल दिया गया है, इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, तो इसको आप लोग अपने से समझिए। ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम बता देंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला दूसरा देखिए हमको पढ़ना है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखिए आपने हेडिंग डाल लिया। ठीक है, देखिए क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए क्या दिया गया है, द अल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है एंड एक्टिवेट्स द अरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द सेम वे एज इन फिनॉल, और ये एक्टिवेट कर देता है एरोमेटिक रिंग को टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि किसमें होता है, ये फिनॉल में होता है। तो यहाँ पे फिगर देख लेते हैं, ये रेजोनेंस दिया गया सबका। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये हमारी ऑर्थो, ठीक है, पैरा पे ये क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे देखिए इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए यह है क्या है, द अल्कोक्सी ग्रुप क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखिए ये ऑर्थो पे है, ठीक है, ये पैरा पे है, ये भी ऑर्थो पे है। ठीक है,
आगे देखिए क्या है इसकी, देखिए आप ये बना लेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है जैसे फिनॉल में बना था। अब पहला देखिए इसमें पढ़ते हैं हैलोजिनेशन। देखिए द फेनिल एल्किल ईथर अंडर गो यूजुअल हैलोजिनेशन इन इन द बेंजीन रिंग। एग्जाम्पल एनी सोल अंडर गो ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड। ये देखिए ध्यान में दीजिएगा, एथेनोइक एसिड है इन द इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन थर्ड ब्रोमाइड, और ये एब्सेंस में रहेगा किसके, आयरन थर्ड ब्रोमाइड। जो कैटलिस्ट लेंगे हम यहाँ पे क्या लेंगे, एथेनोइक एसिड लेंगे, इसको नहीं लेंगे हम, किसको पहले लेते थे आयरन थर्ड ब्रोमाइड को नहीं लेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या है, इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मेथॉक्सी ग्रुप। ये क्यों हम ये ले रहे हैं एथेनोइक एसिड इसके, इसको नहीं ले रहे हैं, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेथॉक्सी ग्रुप है ये क्या कर दे रहा है, ये इट ड्यू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को क्या कर दे रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। देखिए पैरा आइसोमर इज ऑब्टेंड इन 90% यील्ड, और जो पैरा आइसोमर होता है इसमें क्या देगा, ये 90% देगा। तो पहला देखिए क्या है हमारा, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन क्या लेंगे हम, एनी सोल लेंगे, ठीक है, जो क्या है मेथिल फेनिल ईथर है, ये क्या है मेथिल फेनिल ईथर, ये ओ हो गया, ये CH3 होगा, यही क्या है मेथिल फेनिल ईथर एनिसोल है, इसका क्या कर रहे हैं हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या, ये नहीं लेना हम जो आयरन थर्ड ब्रोमाइड लेते थे कैटलिस्ट, अब उसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, एथेनोइक एसिड, ये Br2 इन एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड में लेंगे तो हमारा दो आइसोमर बनेगा इसका, एक तो पैरा बनेगा और एक क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा, ठीक है, जिसमें से जो पैरा आइसोमर होगा वो क्या होगा, ये 90% यील्ड देगा, ये क्या है हमारा Br, पैरा बन रहा है तो हमारा ये 90% बनेगा, लेकिन जो ऑर्थो है ये क्या बन जाएगा, ये 10% बनेगा, OCS3 है यहाँ पे, क्या बनेगा ये Br, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमेशा जानते हैं, ये हमारे क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये क्या बनता है माइनर प्रोडक्ट बनता, मीन्स ये 10% बनेगा और ये हमारा क्या रहेगा, ये 90% बनेगा, ठीक है, ठीक है। इतना देखिए समझ में आ गया, तो इसका देखिए नाम क्या है, ये एनिसोल है, ठीक है, और ये क्या, इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया गया है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको भी देखिए हमने पढ़ चुका, पहले भी पढ़ चुका, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट से रिएक्शन, इसमें देखिए दो चीज हमने पढ़ते थे, एक अल्काइलेशन होता था और दूसरे क्या होता है एसाइलेशन होता है। तो पहले चलिए इसको देखिए पढ़ लेते, फिर इसको यहाँ पे जो रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, देखिए एनिसोल अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो एनिसोल होता है ये क्या किसमें जाता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो करता है। देखिए दैट इज The alkyl and acyl group are introduced at ortho and para position, ठीक है, by reaction with alkyl halide. अगर alkyl halide से reaction कराते हैं तो जो alkyl और acyl group रहता है, ठीक है, are introduced at ortho और para position पे हो जाएगा by reaction with alkyl halide and acyl halide. Alkyl halide और acyl halide के साथ reaction कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एज ए लेविस एसिड, ठीक है, ये क्या है लेविस एसिड है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड क्या लेविस एसिड है, यही क्या है कैटलिस्ट हम लेते हैं। तो देखिए इसमें देखिए पहले से एल्काइलेशन में क्या कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ध्यान में रखिएगा कौन ये अंडर हो जाता है, केवल एनिसोल दिया गया, ठीक है, ये OCS3 है, ठीक है, इसका पहले एल्काइलेशन कराते हैं CH3Cl, ये क्या है एल्काइलेशन करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, कैटलिस्ट कौन सा लेंगे, लेविस एसिड लेंगे, ठीक है,
लेविस एसिड। यहां पे देखिए लेविस एसिड के रूप में ये लिया गया एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इन CS2, ठीक है, ये क्या है इन CS2 है, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा इसमें भी, ठीक है, जिसमें से हम जानते हैं जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, पैरा वाला ये हमारा मेजर हो जाएगा, यहाँ पे ओ सी एच थ्री है, यहाँ पे क्या बन जाएगा सी एच थ्री हो जाएगा, प्लस देखिए क्या बनेगा यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे ओ सी एच थ्री है और यहाँ पे क्या बन जाएगा सी एच थ्री, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा और दूसरा कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। अब देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या है हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें देखिए ये हमारा टॉलविन है, ठीक है, वन टू थ्री फोर, फोर नंबर पे क्या है ये मेथॉक्सी है, तो क्या कहेंगे फोर मेथॉक्सी टॉल्यून, फोर मेथॉक्सी टॉल्यून हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वन टू है, टू मेथॉक्सी टॉल्विन हो जाएगा, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है एंड ये माइनर प्रोडक्ट है। अब दूसरा देखिए क्या है, ये तो एल्काइलेशन हमने करवा दिया, अब दूसरा करवाना है एसाइलेशन, मींस एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। एसिल क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है क्या होता है CH3COCl, ठीक है, एसिल क्लोराइड है, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, लेविस एसिड हो गया एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, करा देंगे। देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए COCH3 बन जाएगा, ठीक है, ये C है, देखिए ये C है, इस पे क्या हो जाएगा ये C हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हम कर दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। दूसरा देखिए क्या बनेगा, इसमें प्लस है, यहाँ पे क्या है O है, इस साइड CH3 है, ये ऑर्थो पे बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, इस साइड क्या बन जाएगा CH3 लग जाएगा, ठीक है। पहला ये देखिए हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब इसका देखिए नाम क्या होगा, देखिए नाम देखना है यहाँ पे, इसको देखिए क्या कहेंगे एसीटोफिनोन कहते हैं, ठीक है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, सपोज कर लीजिए ये वाला जो ऊपर वाला ग्रुप फॉर्म हो रहा है, अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है, तो इसको हम कहते हैं एसीटोफिनोन, क्या कहेंगे इसका नाम क्या है एसीटोफिनोन है, ठीक है। वैसे जैसे ऊपर वाले में ये बनी थी स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH3 था, इसको क्या कहते हैं टॉल्विन कहते हैं, ये टॉल्विन है और ये एसीटोफिनोन है, तो एसीटोफिनोन है, यहां से नंबरिंग हम कर रहे हैं वन टू थ्री फोर, तो क्या नाम हो जाएगा फोर मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, ये हो जाएगा इसका क्या नाम हो जाएगा वन टू टू मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना देखिए समझ में, ये तो देखिए पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और एसाइलेशन होता है, ठीक है, और ये मेटा ऑर्थो और मेटा पे ये जाकर के जुड़ते हैं जो ग्रुप होते हैं। अगला एक चीज और दिया गया है नाइट्रेशन दिया गया है, चलिए देख लेते हैं इसको नाइट्रेशन को भी, ठीक। देखिए नाइट्रेशन में क्या कह रहा है कि एनिसोल रिएक्ट विथ ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड टू यील्ड ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल, ये फॉर्म करेगा, ठीक है। देखिए नाइट्रेशन में कह रहा है कि अगर हम एनिसोल का नाइट्रेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में कराएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3, ये O हो गया CS3, एनिसोल हो गया, ठीक है, हम इसका रिएक्शन कराएंगे H2SO4 और HNO3,
देखिए H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और SNO3 क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है। तो इसमें भी हमको दो प्रोडक्ट मिलता है, एक ऑर्थो और एक पैरा का मिलता है, ठीक है, जो NO2 ग्रुप रहता है। यहाँ पे OCH3 है, NO2 एक तो कहाँ पे जुड़ेगा, एक पैरा पे जोड़ दीजिए पहले, ठीक है, NO2 जोड़ दिया, और दूसरा कहाँ पे जोड़ देंगे हम, मेटा पे NO2 ग्रुप को जोड़ देंगे। ये O हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, NO2 ग्रुप ये जोड़ दिया, ठीक है। तो नाइट्रेशन में भी क्या होता है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो ये मेजर हो जाएगा पैरा वाला, और ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एनिसोल है, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो एनिसोल इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2 नाइट्रो एनिसोल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यही था जो इथर्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं, ठीक है, इतना देखिए क्लियर हो गया। तो देखिए ये जो लेसन था, ये लेसन क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। अब देखिए जो इंटेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो फिर से कमेंट करिएगा, फिर उसको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।